नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी वगैरह की 3 दिन की छुट्टियां थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हम संडे को बाहर निकले थे। हमने सोचा हम कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत थी मुझे, तो वो लेने के लिए हम चोलदरी गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो लोकली लोग उगाते हैं ना, वो फ्रेश वेजिटेबल्स हमको मिल जाती है। पालक वगैरह ना अभी सीज़न में है, तो हम उसके लिए चोलदरी गए थे। तो हमने सोचा, जब हम वहाँ से गुजर रहे, तो हमने सोचा क्यों ना वीर सावरकर पार्क होकर जाया जाए। तो हम वीर सावरकर पार्क के लिए हम निकले हैं। खेतों के बीच से रास्ता होकर जाता है और वैसे टूरिस्ट के लिए अब बनाया जा रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये, देखिए एकदम समुद्र किनारे लगा हुआ है एकदम से। यहाँ से जो है दूसरे आइलैंड ना, फ्लैट बे वगैरह यहाँ से दिखाई देता है। और देखिए पानी को, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। एक तरफ जैसे देखिए समुद्र है, बीच में सड़क है, और उसकी दूसरी तरफ ना लोग रहते हैं, और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उनकी खेती भी वो करते हैं। तो हम नज़ारों का लुत्फ़ लेकर हम ऐसे ही जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सा है ये, देखिए लोगों ने सब्जियां वगैरह लगा रखी है, क्योंकि अभी सब्जियों का मौसम है। अभी जो है इस सीज़न में लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। तो देखिए ये समुद्र के दूसरी तरफ का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हम शाम के 3 बजे के वक्त गए थे, उस समय की तस्वीरें हैं ये। मैंने बस ऐसे ही वीडियो निकाल लिया था। बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम से शांत सा जगह है एकदम। और वैसे भी अभी हमारे आलम में भी कोरोना बढ़ रही है ना, उस वजह से। और ये रहा सिप्पीगढ़ के पास का, देखिए कितना शांत पानी, इतनी शांत होकर पड़ी हुई है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ से आने के बाद चाय की तलब हुई, तो हमने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो हम चाय बना रहे हैं। आप कैसे चाय बनाते हो बताइएगा ज़रूर, ये मेरे स्टाइल की चाय है। वैसे मैं चाय की उतनी शौकीन नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं। तो जैसे ही पानी को मैंने, पानी हमारा खोला, मैंने उसमें 2 टीस्पून मैंने चाय पत्ती डाल दी। ये ताजमहल चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं। चाय पत्ती बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, क्योंकि चाय पत्ती ना, कोई कोई चाय पत्ती ऐसी होती है जैसे डालती है उसमें कलर आ जाती है, वो मुझको लगता है उसमें कुछ कलर मिक्स किया जाता है। जैसे ही हमारे अच्छी तरह से, जब हमारी चाय पत्ती उबल जाएगी, उसका कलर पूरा अच्छे से निकल जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और हम ये पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं, तो इसमें लिखा होता है इसको उबालने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू बॉयल। तो इस वजह से मैं इनको बॉयल भी नहीं करती हूँ। और बॉयल करने से क्या होता है, टेस्ट, ये जो चाय दूध डालने के बाद जब बॉयल करते हैं ना हम, तो चाय का टेस्ट मुझको लगता है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती हूँ। जैसे ही बॉयल आता है, क्योंकि पानी तो हमारी चाय पत्ती उबली हुई है ना, जैसे ही दूध थोड़ा अगर वो बॉयल में आती है, मैं उसको ऑफ कर देती हूँ। अब बस ये भी एक प्रोसेस है, ऐसे भी करते हैं हम, ये मेरी स्टाइल है। अब छान लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो चाय के शौकीन है और बार बार बोलते, जब तक तेरे हाथ की चाय नहीं पीता हूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। बस इतना सुना ही, सुनने की देर होती है, मैं फट से चाय बना देती हूँ। तो देखिए हमारी चाय तैयार है। हम तो बिना शुगर के पीते हैं, और वैसे भी मैं चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, मैं चाय तो चाय पीती नहीं हूँ। हस्बैंड के लिए है विदाउट शुगर। तो आप सबों का शुक्रिया, थैंक यू।